खराब झाड़े इनकी स्मृति में श्रावण पूर्णिमा माह के अवसर पर खराबी में शानदार श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। भारत ये सूफी संतों का देश है। भारत में हर धर्म का अपना एक सम्मान है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों द्वारा आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया गया है। इस कलयुग में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। भौतिक सुख पाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर बहुत कम लोग हैं जो आध्यात्मिकता से काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सुधाकर राव नामदेव राव झाड़े इनकी स्मृति में श्रावण पूर्णिमा माह के अवसर पर खरबी परिसर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर हरिभक्त पारायण श्री विवेकानंद नवखरे बाबा जी की अमृतवाणी से श्रीमद् भागवत सप्ताह का लाभ नागरिकों ने उठाया। श्रीमद् भागवत सप्ताह का सुंदर ज्ञान के झरनों से हर कोई सराबोर हो उठा था। इस मौके पर आयोजकों ने BCN समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में BCN की टीम सिद्धेश्वर मंदिर में, जहां पे नवघरे बाबा जी इनका प्रवचन चालू है, और ये जो प्रवचन है श्रावण मास के उपलक्ष्य में और किसी भी यजमान जो है उनके परिजन के स्मृति में यह कार्यक्रम लिया गया है। इस समय में हमारे साथ में नवघरे जी बाबा जी, उनसे जानना चाहेंगे। बाबा जी ये बताइए, जिस तरह से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जनमानस में उनकी भक्ति का वृद्धिंगत हो जाना। आज समाज जो बिखर चुका है, अपने अच्छे मार्ग से दूसरे तरफ जा चुका है, उसको फिर से भक्ति के मार्ग पर लाना और समाज में पूरी तरह से एक अच्छी तरह से एक समाज निर्माण करना, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। साथ में यहाँ पे श्री सुधाकर राव जी झाड़े इनके स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, और पूरा परिवार यहाँ पे आके एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसका मुख्य आयोजन हमारे महागाड़कर सर है, वो है, उनका परिवार और पूरा सब झाड़े परिवार सब साथ में मिलकर यहाँ पे। बाबा आखिरी का मेरा सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसे के पीछे भागता है, मगर आध्यात्म की जहाँ बात आती है उसमें लोग कम दिखाई देते हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? हर कोई आदमी को लौकिक सुख ही चाहिए, लेकिन आखिर में उसको जाना तो वही है। जो भी भाग रहा है अभी वो इसी दौड़ में भाग रहा है कि उसको शांति चाहिए, और शांति उसको इस प्रापंचिक रूप में तो नहीं मिलने वाली, आखिर में उसको इधर ही आना है और आएगा। जब तक ये 2 साल में कोरोना ने देखा है कि प्रपंच आदमी को क्या दे सकता है और परमार्थ क्या दे सकता है, इसलिए सबको भगवान की शरण में ही वहाँ पे सुख मिलने वाला है, किसी और जगह पे सुख नहीं मिलेगा। तो नवघरे बाबा जी इन्होंने इस तरह से बात की, अब हम आयोजक यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी ये जानना चाहेंगे। जड़े साहब ये बताएं कि आज का ये जो कार्यक्रम दिया गया, आप कार्यक्रम के यजमान हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे आप? ये मेरे सासरे है, उनके स्मृति में वो कार्यक्रम लिया है, और ये जो ये मंदिर है, मंदिर की स्थापना मेरे सासरे ने की है, और जो बड़ी मूर्ति है, ये बड़ी मूर्ति मेरे जो साड़े है बड़े राहुल जी झाड़े, इन्होंने बनाया है। बिल्कुल, तो आप थे यहाँ के यजमान जिन्होंने बखबर बे के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजार सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं और बाबा जी का प्रवचन वे सुन रहे हैं, अपने जीवन की शुद्धि करने के लिए, अपने आत्मा की शुद्धि करने के लिए, आत्मा से परमात्मा का मिलन करने के लिए इस तरह के ये कार्यक्रम लिए जाते हैं, जिसका लाभ जरूर जरूर इस देश को, इस राज्य को, इस शहर को और इस शहर के नागरिकों को हो रहा है। सिद्धेश्वर मंदिर से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।